हेलो फ्रेंड्स, ग्रिल मंडी शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने बीच का जो तमिल ऑफिशियल ट्रेलर है उस पर रिएक्शन दिया था अपने फर्स्ट चैनल पे। मजा आया था देखने के लिए दोस्तों। अभी उसका दोस्तों ये पैन इंडिया मूवी है, पैन इंडिया रिलीज हो रहा है। तो थलपति विजय का जो बीच मूवी है उसका नाम है रॉ। एंड ये अब हमको देखना है दोस्तों कि इसका हिंदी वर्जन जो है उसमें कैसा डबिंग हुआ है और कैसा लग रहा है देखने के लिए। क्या ये एक्साइट कर पाएगी हिंदी ऑडियंस को इसका डब्ड वर्जन, ये भी देखने वाला बात होगा दोस्तों। देर नहीं करते हैं, थलपति विजय का बीस्ट आका जो हिंदी में है रॉ, वो देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। सुबह सुबह बढ़िया नींद में था, अचानक 10:30 बजे फोन आता है। 10:30 सो रहा था मैंने। मिस्टर माधव सिंह, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द ईस्ट कोस्ट मॉल इन चेन्नई हैज बीन हाईजैक्ड। इससे भी खतरनाक बात क्या है पता? यही कि सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत मुझे करनी है। इससे भी पुरानी कोई बिल्डिंग नहीं मिली क्या? इसके पूरे हाड़ बिंदे हिले हुए। सर, कोई इमरजेंसी ऑपरेशन कहा था इसकी। अच्छा, तुझे सब बता दिया है। और इस बैड टाइम में गुड न्यूज क्या है पता? जब मॉल हाईजेक हुआ तब एक्सीडेंटली हमारा भी एक आदमी अंदर था। वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था। One of the best and the most notorious spy we have ever had. ऐसे तो बड़ा मजेदार है। अफगानिस्तान वीर राघव, वीर राघव उम्मीद बात है यार। ऐसे एक इंसान के होते हुए कोई मॉल हाईजेक करेगा तो क्या होगा? जरा सोचो, वीर ने उन आतंकवादियों को क्या हाल किया होगा। मास्टर, ये मॉल वाले मारो वाला है। ये भी वो मॉल लग रहा है। ये भी है। अभी तो खेल शुरू हुआ। वो मनमानी ना करे, मंत्री बोल रहा है ऐसा उसे धमका के बोलना। सर, आपके नाम से धमकाया तो वो खुद आपकी बीवी और बेटी को मार देगा और इल्जाम आतंकवादी पर डाल देगा। ये जो राजनीतिक खेल तुम खेल रहे हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सर, मेरी बात मान लीजिए, वो खतरनाक बीस्ट है। बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ सोल्जर। वो दिख रहा है, वो जो पकड़े थे ना वो। नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ वो जो वही बीस्ट या रॉक का जो एंड में निकला, आप समझ रहे हो? एक्चुअली वो वेपन था, वो पकड़े थे यार मॉल वाला सीन पीछे पकड़े थे। वो छोटा सा वो एक्स जैसा ही है, बट वो ही था। वो भी छोटा जो एक्स वाला सीन सब था, मुझे वो ज्यादा मजा आया। गन से ज्यादा देखना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला जैसे सीन सब है ना, बस वो मार रहे तो वो बहुत मजा आ रहा देखने के लिए। इवन फाइटिंग बहुत ही अच्छा था। फाइटिंग साथ जो भी जो बीजीएम चल रहा था, ये गाना तो बहुत मजा आया ना, मिनस स्ट्रांगर वाला, बहुत ही अच्छा। कैन यू फील द पावर, टेरर फायर। एंड कई बीच मास्टर का भी यूज हुआ था, क्योंकि अनिरुद्ध आई गेस वन ऑफ द लाइक बैकबोन है अभी लास्ट उनका कपल ऑफ मूवीज का, थलपति विजय के साथ उनका कोलैबोरेशन है। बहुत ही अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं अनिरुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है मुझे लगता है। अच्छा, बहुत मजा आया था दोस्तों बीजीएम प्लस सॉन्ग। तो अनिरुद्ध से इस टाइप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छा होगा। वैसे भी जो दो तीन गाना है वो हिट हो चुका है ना। एंड थलपति विजय बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों। उनका वो बियर्ड थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट वाला है, वो एक अलग सा लुक दे रहा है। व्हाइट शर्ट पैंट और सब में बहुत मजा आएगा देखने के लिए। एंड लगता है कि कपल ऑफ डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट टाइम का हमको सीन सब देखने मिलेगा। मे बी उनके पास्ट के बारे में भी हमको जानने मिलेगा, क्योंकि इसमें देखा जाए तो वो मॉल का तो दिखाई दिया कि सबका क्या हाल होता है।
तो उसके प्रीवियस का भी दिखाएगा, सोल्जर्स का, हाँ वही मुझे लगता है बहुत सारा सीन हमको देखने मिलेगा। लाइक ये कैसा है बोलते, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वाला कुछ कुछ चीज हमको सीन दिखने मिलेगा, मल्टीपल ओवरसीज लोकेशन में होगा कुछ कुछ उनका क्या बोल सकते हैं ऑपरेशन, है ना दोस्तों। बहुत मजा आया देखने के लिए तलपति विजय को, मेरे हिसाब से जो डबिंग भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। लाइक जो टोन हम तमिल में फील कर रहे थे विद इंग्लिश सबटाइटल्स, वैसे ही मुझे फील हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर उसको प्रॉपर रिलीज एंड प्रमोशन मिला हिंदी में भी, हिंदी नॉर्दर्न बेल्ट में, तो ये जरूर पैसा कमाएगी। तो दोस्तों हमको तो अच्छा लगा है रॉ का ट्रेलर, होप आपको भी अच्छा लगा हो। आपका क्या ओपिनियन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।